सो हे गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग? आप सब बढ़िया ही होंगे। तो यार स्वागत करता हूँ फिर से मेरे चैनल द ईगल फैमिली पे। मैं जाने वाला हूँ अभी, मतलब रामनगर जा रहे हैं। रामनगर जाने से पहले मिलना सुमित भाई से। सुमित भाई कल दिल्ली से आए थे तो उनको पिकअप करने भी नहीं गया यार मैं। अभी मिलते हैं यार, थोड़ा उनसे बातचीत करेंगे फिर चलेंगे रामनगर। रिश्तेदार है मेरे, ऐसा कुछ नहीं है, तो उनके साथ प्रैंक सा होने वाला है, तुम देखते जाओ यार। बाकी यार मुझे बताने में भी शर्म आ रही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं घर वाले अगर ये वीडियो देख लेंगे भाई निकाल देंगे घर से। लेकिन ये तो खाली प्रैंक करूंगा यार, रियल में ऐसा कुछ नहीं होगा। बाकी यार देखते जाओ आगे होता क्या है। ले भाई कब आए तुम? कल मैं कह रहा हूँ वहाँ चलना रामनगर अभी। हाँ वो एक लड़की के ऊपर ना प्रैंक करना है, लड़की के ऊपर क्या घर ही चल देंगे उनके, तो वहाँ ना प्रैंक करना कुछ तगड़ा था भाई। मेरी पता क्यों फट रही है गाइस? मेरी इसलिए फट रही है क्योंकि हाँ तो मैं प्रैंक कर लूँगा जो भी होगा, बट इतना कुछ जो भी होगा बट मुझे नहीं पता। मैं ये सोच रहा हूँ कि यार घर पे जाके बगेदी ना हो जाए भाई, पूरा मतलब सीन शॉट करना है भाई। आज भाई सुमित भी पिटने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। मेरे साथ साथ सुमित भी जाएगा, दो गाली इसको भी पड़ेंगी। और वो बंदा नहीं दिखा यार तब से मुझे, वो हरियाणा भी बंदा। गाइस यार एक और बात बतानी है, पता यहाँ पे ना आजकल पुलिस वालों का बड़ा गंदा सीन चल रहा है। बीच में तो कितने महीने वो गायब थे, बट अब ऐसा सीन हो रहा है कि कहीं भी खड़े हो जा रहे हैं। अब यार इसकी ना सर्विस का भी टाइम हो गया थोड़ा ना, अभी देखो 2056 किलोमीटर चल गई है। अब यार थोड़ा ना माइक मुंह पे आ रहा था तो उस वजह से मतलब माइक को थोड़ा साइड में रखा, थोड़ी ना आवाज खराब हो जाती है एकदम अगर जस्ट मुंह पे आ जाता है। अरे यार घर वालों ने बोला आराम से चलाया कर, तो आराम से चलाता हूँ यार गाइस, नहीं भगाता मैं ज्यादा भाई। फटती है मेरी, खुद फटती है गाइस यार भगाने में। आप लोग सोच रहे होंगे ना कि हमारे पास निंजा होती, ये होती वो होती, तो मैं भगाता। अबे क्या है, आराम से तो चला रहा हूँ यार। एक तो इन बंदे ने परेशान कर रखा, पता नहीं किससे बातें करने पे लगा है, उसके चक्कर में मुझे हल्ला कर रहा है हल्के चल हल्के। हाँ मुझे पता है भाई तू करता रहे बात, तो कुछ नहीं कह रहा मैं, मेरी आवाज़ सुन रहा है यार ये पीछे पीछे। इसको बहेंगे ये भी सोच रहा होगा बिंदु क्या क्या बोलता है मेरे बारे में। बट भाई सही बात है यार, अब जा रहे हैं तो यार थोड़ा व्लॉग बनाने, हल्का फुल्का ये है कि यार बाइक तो खिंचती है, मतलब 70-80 तक तो अभी भी चलिए, 70-80 तक तो जाएगी भाई आराम से। लाइफ को बहुत मिस करता हूँ क्योंकि यार 12th का ऐसा सीन हुआ था, 12th तो मैंने पढ़ी भी नहीं। 12th में ना खाली गए सब, मतलब पेपर भी क्या प्रैक्टिकल हुए थे, प्रैक्टिकल देने जाता था मैं, बाकी पेपर हुए नहीं भाई, साइड में निकाल। पेपर हुए नहीं थे तो यार लॉकडाउन की वजह से वैसे ही कोविड का सीन चल रहा था, तो वैसे ही पास हो गए। मतलब ये है ना जो यार अपनी मेन क्लास होती है, सबसे सीनियर क्लास होती है 12th क्लास भाई, उसमें जो रौला चलता है ना यार तुम्हें पता होगा गाइस, यार सबने पढ़ी होगी 12th क्लास भाई, ऐसा तो कोई बंदा होगा नहीं। जो बंदे छोटे हैं वो भाई अब पढ़ लेंगे कोई दिक्कत नहीं, बट यार 12th क्लास तो सभी करेंगे भाई, ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी ने बाई चांस स्कूल छोड़ दिया तो भाई उसकी अपनी मजबूरी है। मैं भाई उसको ये नहीं बोल रहा कि यार क्यों नहीं पढ़ा, बट यार होता है हर किसी के फैमिली यार सपोर्ट नहीं कर पाती। बट कोई नहीं, जिसने भी पढ़ी है यार गाइस एक बार लाइक कर देना वीडियो को भाई, बहुत मिस करता हूँ यार स्कूल लाइफ को। बाकी यार भाई एक्साइटेड हो रहा हूँ यार मैं, क्योंकि अभी मुझे दो गाली पढ़ने वाली हैं, चप्पल पढ़ने वाली है, जूते पढ़ने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं मुझे खुद नहीं पता। लास्ट में देखना मैं सुमित को फंसवा दूंगा अगर ये मेरी बात नहीं सुन रहा होगा तो, क्योंकि यार हेलमेट से मैं ज़्यादा तेज बोलता हूँ, मेरी वॉइस थोड़ी भारी है तो तेज बोलता हूँ, तो उस वजह से यार इसको पता ना लग जाए। लास्ट में इसको फंसवा दूंगा, तुम देखते जाओ बस ब्लॉग में क्या क्या रौला करता हूँ मैं भाई, अपनी बात से ही मुकर जाऊँगा देखना मैं। पहला प्रैंक होने वाला है वो भी लड़की के साथ, वो भी गंदा वाला, बहुत गंदा वाला भाई। पहली बार कर रहा हूँ, फट रही है मेरी, झूठ नहीं बोल रहा, बट जो भी होगा यार देख लेंगे, डरता नहीं हूँ मैं भाई। प्रैंक करना है तो दो गाली तो पड़ेंगी, बट घर पे नहीं करता ना, घर पे तो भाई चप्पल आस पड़ोस के सब आ जाते। गाइस तुम यकीन नहीं मानोगे मैं चोर पानी 36 बार आ गया, 36 बार बहुत बार आ गया। तो मेरी यहाँ बुआ रहती है, सब बुआ ही है यार, यहाँ पे दो हैं, यहाँ से चलेंगे ऊपर वाले रास्ते से क्योंकि यहाँ दूसरी बुआ का घर है, वो देख लेंगी, अगर उन्होंने स्मेल सूंघ ली तो भाई लग जाएगी मेरी। तो इस गली में आवाज कुछ गूंजती है यार, बस चलें। भाई गेट पे पहुंच चुके हैं, अब शायद वो चमकांडी नीचे आएगी। मैंने एक बार गेट नॉक कर दिया था, बाकी मैंने हेलमेट सुमित भाई को दे दिया, बाकी जो रौला होगा ना चप्पल जूते जो भी पड़ेंगे सह लेना, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो सह लूंगा, तू बचा लियो बेटे। अरे भैया चलो भैया, नमस्ते भैया, क्या बोल, ये हमारी दीदी हैं। नमस्ते दीदी। आप पे स्मेल क्यों आ रही है पहले ये बताओ।
देखिए परफ्यूम लगा रखा है, परफ्यूम भी तो नहीं, परफ्यूम है फिर किस चीज की है सच बताओ, परफ्यूम लगा रखा है काय की, परफ्यूम भी तो मुझे नहीं लगा, काय की आ रही है भाई, भैया दारू वारू तो नहीं पी कर आए हो, अबे पागल है, दारू वारू में पीऊंगा पागल है, दारू नहीं पीता भैया, बताना नहीं पीता दारू, बुआ के वहां पता नहीं बुआ है क्या, बिल्लू भाई आराम से चढ़ना, क्या चल रहा तू टेढ़े टेढ़े है बिल्लू भाई, घंटी मारो, अरे इधर घंटी नहीं है, घंटी नहीं है, बिल्लू भाई आराम से कहाँ है बुआ, बैठो दारू किन्ने पी रखी है, मैंने नहीं पी भाई दारू, मुझे ऐसा लग रहा है दारू पी रखी होगी, दारू नहीं पी रखी मैंने, इसने तो मेरे को भी कॉल किया था, मैं रामनगर आया था जरा, इसने बोला लखनपुर चुंगी में आया, बता दो मुझे कहीं पता नहीं क्या, इसको पता नहीं क्या हो गया, बुआ के घर लेके ये नहीं पता, इसने मेरे को अभी तो बोला है, इसने बोला कि बुआ के घर लेके चलो, दारू कहाँ पी है मैंने, दारू वारू कुछ नहीं पी मैंने, दारू भी पीऊंगा, तो ऐसा क्यों लग रहा है, इसको मैंने बोला कि तेरे पे सिर पे चोट कहाँ से लगी, इसने बोला कि पता नहीं मेरे को, ये अभी आ रहा है, पता नहीं बना बनाते पगला गया क्या, दारू नहीं पीने लग गया तो, अरे एक ही बात के मैंने दारू नहीं पी है ना, तो फिर आपको चोट लगी क्या, चोट लगी, ये देखो ये इधर लग रखी है, देख रहा हूँ चोट लगी क्या, हाँ ना, अबे चल पागल है क्या, कुछ चोट लगी है इसको, आपको समझे रहा है, पानी आनी दे दो, पानी आनी दे दो, पहले चले तेरे उसको दारू को फोन करती हूँ मैं, अबे तुम दादी को फोन क्यों कर रहे हो, दादी को फोन मत करो ना, दादी को भी फोन क्यों कर रहे हो तुम, तो बताना पड़ेगा दादी को क्या बताना है, तो मैं दारू पी के नहीं, ये मेरे को भी नहीं बता रहा है, ये इसने मेरे को भी नहीं बताया, सही ढंग से आया दोबारा भी तो सही ढंग से आया, तो अरे तो मैं दारू पी के आपके घर क्यों आऊंगा, मैंने तो इससे बोला कि मेरे को बुआ के वहाँ छोड़ दे, मैं तभी आया इसको लेके, यहाँ लग तो ऐसे रहा है बिनु, अरे मैं दारू पीता नहीं हूँ, मैं दारू भी पीऊंगा, दारू नहीं, तो फिर आपको चोट लगी है, आपको याद क्यों नहीं है, चोट कहाँ लगी है, वे भाग तो मैं चोट तो कान में लगी है, सिर में लगी है, बता ये देखिए यहाँ पे लगी है, कान पे भी लगी है, कहाँ सिर फोड़ दिया तुमने बिन्नू भाई, है अब कहाँ लगी है यार, तू अलग ही बहन का परेशान कर रहा है मेरे को, तेरे को गलत बुला लिया मैंने, शीशे में देख, तुम्हारी बुआ कह रही है मैं क्या बोलूं, नहीं नहीं शीशे में देख, तो चोट लगी, लग जा दारू नहीं पी मैंने, तो बिन्नू भाई बिन्नू भाई मैं चल रहा हूँ ठीक है, तू जा हाथ मिलाओ, अबे तो मैं कैसे जाऊंगा भाई, बैग पकड़ दूँ भाई मैं जा रहा हूँ, अरे तुम अपनी बातें करो ना, मैं जा रहा हूँ, ये दो बार तो सही ढंग से आया, लेकिन इस बार इतना ड्रामा कर रहा है, ऐसे क्यों पकड़े बताना जरा, बिल्लू भाई चलो फिर मैं चलूं फिर, तो ऐसे की पकड़ लियो, बिल्लू भाई तो बैग है मेरा वो, देखिए तो आपका बैग है, मैं थोड़ी कह रही हूं मेरा है, लेकिन इसमें है क्या, फोन ला रहे देखिए, अबे बैग में कुछ नहीं है, अरे कॉल क्यों कर रहे हो यार, कॉल मत करो ना, अरे चलो चलो बिल्लू भाई, मैं तो एक मिनट रुकना, मैं भाई मैं भी तो जाऊंगा यार, अरे तुम बात करो ना, बुलाया मैंने क्या, मेरे को घर छोड़ देना, हाँ देखे बिन्नू आ रखा हमारा, वहाँ इसने पी के दारू, देखे एक शीशी में मिला रखा दारू थोड़ा बचा के, हाँ अभी आया है, आधा घंटा हो गया, बिन्नू भाई तो हाँ देख ले तू, ये मैं वीडियो कॉल करता, वीडियो कॉल में देख ले, अबे यार अरे फोन क्यों कर रहे हो यार, फोन काटो यार तुम, फोन काटो, इसे कान में लगी है यार, फोन काट दो ना, फोन काट दो, चार थप्पड़, अरे फोन काट दो ना यार, फोन दादी को, अबे यार फोन, ये आज के बाद आना ही भूल जाएगा, अरे फोन काटो ना, फोन काट दो, हाँ यार बोल रहा हूँ तब से दारू नहीं पी रखी है, ये क्या है फिर, इधर देख पहले, बिनू सच में इतना थप्पड़ मारूंगा ना तेरे को मैं, मेरे को पता नहीं था तू ऐसा लड़का है करके, अरे क्या हो गया,
मतलब बुआ के सामने हिम्मत कैसे हुई है ये दारू वारू लेके बता। मैं बिन्नू भाई बैग में रखी थी क्या तूने? तूने मेरा बैग क्यों ले रखा है? रूम में मेरा रखा है। मेरा बैग दे दो ना तो इसको और पिएगा। तू अब तो खत्म हो गई हो। जैसे फेंक के बर्थडे पार्टी से आ रहे बर्थडे पार्टी वालों ने रिटर्न गिफ्ट दिया है कुछ नहीं है और चला आइंदा से आएगा ना तो ढंग से आ रहा बहुत मालूम सोच रहे बैग दे ले मेरा जा नहीं आ रहा मैं क्यों रुक जा रुक तू आ रही होगी पहुंचना ही होगी। ओए तू गाड़ी स्टार्ट कर चलो भी चलो मेरे भैया पीछे ये देख इतने गिरा दी यार भयंकर गिरा दी दारू लेकर आ रहे हो क्यों गिराई भाई खरीदी खरीदी आपको पता नहीं है खरीदी है भाई मैंने ना ना ये सोफा अरे मेरे जाने दो ना बैग का मैं जा तो रहा हूँ गलती हो गई यहाँ के मैं जा रहा हूँ बस गलती हो गई भैया नहीं आएंगे तब तक भाई नहीं जाओगे यहीं बैठे रहो एक तो दारू पी रखी है मुझे पता नहीं था कि बिन्नू भाई दारू पीते हैं मुझे पता नहीं बिन्नू भाई इसको पहली बार देख रही हूँ यार मेरे से कह रहा बुआ मैं ब्लॉग बना रहा हूँ ब्लॉग बना रहा हूँ मैंने कहा अच्छी बात है मुझे पता नहीं था ये दारू पीता करके देखते हैं ये कान में मार रखे इसने देखो जिस सर पे भी लगी आगे से आप कहाँ जा रहा बिन्नू भाई को उल्टी आ रही सर उल्टी उल्टी पकड़ रहे सर दोस्त भी इतना महान है रिटर्न गिफ्ट भी दे रहे बता हमारे दोस्त नहीं देते भाई मैं खरीद के लाया हूँ ₹140 खर्च करे मैंने ₹140 तो कहीं अच्छी जगह खर्च कर लेते ना 140 बुआ के जूस की बोतल लिया था और जूस पियूं भाई अम्मा भी बैठ रही है दारू पियो बुआ को भी दारू पियो अगर बेटा आईने से ऐसे आएगा ना तो उसको मेरे वहां मत लाना बुरा मानेगा अपना मानेगा एक दिन बुरा मान लेगा कोई बात नहीं ठीक है बुआ नीचे अरे नहीं नहीं क्यों कर रहे हो तुम मैं कर दूंगा छोड़ दूंगा अरे फोन मत करो ना यार तो आज के बाद पी के आएगा से जा रहा हूं आज के बाद पिएगा चलें चलो फिर चलो चलो फिर जा रहे हो भाई आराम से ना आराम से बिन्नू भाई आराम से ना चलो गेट खोलो कोई है भाग लगाई कुंडी इसने गेट गेट खोलो भाई साहब कोई है बाहर बाहर भी कोई गेट खुलता है बताना जरा और भैया आपको भी याद नहीं गया आपने भी तो अबे यार गेट खोलना कुंडी लगा रखी है दे भाई गलत बात होती है गलत बात है भाई चले फिर अब गेट गेट खोल गेट क्यों आप क्या हुआ अबे गेट खोल ना वो भी तो देखिए इधर लक्ष्मण क्या देख क्या देख रहा क्या देखा जो तो दारू पी के किन्ने इतना ड्रामा कर रहा बुआ जी वहां वो भी देखिएगा अब किन्ने पी ली दारू तूने पी रखी किन्ने किन्ने पी दारू अबे किन्ने मैंने दारू कहां पी है इतनी देखो बदबू देखो इसमें इतना ज्यादा बदबू देखो सब बदबू किस पे आई है किसी पे नहीं आई बदबू अबे मैंने दारू पी है कपड़ों में से तो बदबू आ रही है और आप बोल रहे हो कि मैंने कपड़ों ने भी दारू लिया उसने भी देखी है किन्ने पिया दारू बदबू अगर कपड़ों से आ रही हो किसी को पहले थोड़ी देर दारू पीते हुए हमारे घर में तो कोई नहीं पीता रौला कर दूंगा यहाँ पे दिमाग मेरा रौला कर देगा डंडा लाऊंगी यहाँ सोच ले डंडा ले आओ बहुत मारूंगी डरता नहीं डरता नहीं मैं भी किन्ने पिया दारू किसने पिया दारू नहीं तो फिर कपड़े क्यों खोला फिर तो दारू किन्ने पी है तूने पी रखी है तुम बेफालतू में क्यों बोल रहे हो दारू पी है दारू पी रखी है मेरे को बता ना अरे मैंने दारू अबे यार बैग का है वो बैग दिखा दारू पीते ना नहीं नहीं पी तो ये क्या है वो ऐसी है
ये तो बड़ी मुश्किल से ढूंढ के लाए हैं हम, वो रोड के साइड गिरा हुआ मिला, गिरा हुआ। अबे मैं दारू मैं गिरा हुआ तो बोतल मिली और आगे आगे ऊपर भी गिरा। अरे हम प्रैंक कर रहे थे, खाली बोतल गिरी भी मिली। इस टाइप का प्रैंक था, दारू वाला सीन था, दारू वाला सीन था। अच्छा, दारू नहीं पी है मैंने, तो दारू पी होती तो मैं ऐसे करता। बात है दारू वाला सीन था, तो कोई अच्छी जिला था उसका सीन बना लेता फिर। मुझे मिल ही नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से भवानीगंज से पौआ उठाया मैं। क्यों, कितने ठेके जो है, है? एक ही बड़ी मुश्किल से कैसे मिला तेरे को? और उसने भी आपको आधी दारू दी, बताओ जरा। शर्म कर लिया, इतना बड़ा हो गया है, जब जहाँ दारू पीता था बहन को। अबे दारू किन्ने पी दी यार, इनने बड़ा परेशान। क्या क्या कहते हैं भाई, मोटी दारू पी ली मैंने, तो फिर ये क्या क्या था ये यार बना देंगे भाई यार। जो मजाक था समासा तो हो गया, कारू को तो पता चल गया दारू पी के निकल। हां कोई दिक्कत नहीं, चले यार मेरे भी काम थे बिन्नू भाई। चले, तुमने बुआ का तो कर दिया परेशान। अब तुम्हारा क्या काम रह गया? मेरा तो काम में काम ही जरा, मेरे तो काम था। क्या काम था? इसने भी पी लिया ना। हाँ। नहीं। सो गाइस यार, अपन लोग वहां से आ गए थे, वहां प्रैंक मतलब काफी गंदा सीन हो गया था यार वहां पे, मतलब लक्ष्य तक निकल गए थे, थप्पड़ भी खा लिए थे एक आधे, बट कोई नहीं यार, प्रैंक में मजा आ गया था, मुझे भी मजा आ गया। बाकी यार वहां पे थोड़ा एंड नहीं कर पाए थे व्लॉग, एक सब्सक्राइबर भी मिला था उससे भी नहीं मिल पाया, तो यार बैटरी खत्म हो गई थी इसकी, वहाँ पे चार्जर नहीं था सी टाइप, क्योंकि इसमें सी टाइप लगता था, सी टाइप चार्जर नहीं था। मैं सुमित की दुकान पे हूँ अभी, यहाँ पे चार्ज किया, वो कहीं जा रखा है, तो मैंने क्या थोड़ा व्लॉग खत्म कर लेता हूँ। तो गाइस यार, अगर आपको प्रैंक थोड़ा बढ़िया लगा होगा तो कमेंट कर देना, बाकी लाइक तो कर ही देना। तो इसी के साथ फिर आज का व्लॉग करते हैं खत्म, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।